और मेरे भाई लोग क्या हाल है यार तुम्हारे भाई लेके आ गया तुम्हारे लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले एकदम लेवल के गेमिंग स्मार्टफोन के गेमिंग रिव्यू के बारे में जी हाँ गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले शामी की तरफ से आने वाले रेडमी नोट टेन प्रो फाइव के गेमिंग रिव्यू के बारे में अब बेसिकली जो फोन है वो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हो चुका है चाइना में और आपको ये बहुत ही किलर स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाएगा वो भी बहुत ही ज्यादा किलर प्राइस पॉइंट के साथ में और ये हमारे इंडिया में डेफिनेटली हंड्रेड एंड टेन परसेंट शोर है कि हमारे इंडिया में आने वाला है बहुत ही जल्दी तो इसलिए जानना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई अगर ये फोन हमारे इंडिया में आता है तो क्या हमें इसे गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं और अगर करना चाहिए तो यहाँ पे हमें किस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी तो एस डोंट वरी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप आपको किस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी तो इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी तरीके हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हैं सो सबसे पहले हम बात लेते टेन प्रो, 5G के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में लेकिन पहले मैं आपका डाउट कर दूँ कि भाई ये जो फोन है वो चाइना में तो इस नाम से लॉन्च हुआ है लेकिन हमारे इंडिया में जब ये आएगा तो हो सकता है कि हमें मी टेन की सीरीज में हमें देखने को मिल जाए फिर मी इलेवन के भी सीरीज में देखने को मिल सकता है इसकी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं लेकिन है मी सीरीज में मिल सकता है इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल के आती है जो भी हो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एफ एस डी प्लस आई पी एस डिस्प्ले जी आगे सैडली आप आपको एमोलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता लेकिन आई पीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है वो भी रेजोल्यूशन के साथ में ट्वेंटी का रिफ्रेशिंग रेट है टू फोर्टी का टच सैम्पलिंग रेट भी है तो देखा जाता है और डिस्प्ले में आपको ज्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो देखने को नहीं मिलता लेकिन हाँ एमोलेट होता तो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था लेकिन एमोलेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता लेकिन मैटर तो इसकी प्राइस भी करती है बात कर ले इस फोन के और रोम के बारे में तो पे आपको एलपी रियर फोर एस सपोर्ट e देखने को मिल जाएगा और वही बात कर लेते हैं इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर तो यहां पे आपको देखने को मिलता है मिड डायर डिमांड इलेवन हंड्रेड चिप जो कि सिक्स नाइन एमर पर बेस्ट है एंड हाँ ये जो चिपसेट है वो एक डुअल फाइव जी चिप है एंड गाइस मैं बता दूं कि यार इसका अंतिक स्कोर जाता है वो लगभग सात लाख तक आता है यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको ये चिपसेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको थ्री डायमेंशनल वीसी कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है जो कि आपको फोन को बहुत ही ज्यादा ठंडा भी कर देगा एच डी टेन प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है गोरे लग रेक्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है और ऊपर से यहाँ पे आपको डुबुल स्पीकर भी देखने को मिलते हैं और देखा जाता है यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा तकड़ निकल के आते हैं इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये जो फोन है वो चाइना में लॉन्च हुआ है लगभग अठारह हजार एक सौ चौहत्तर रुपीस के प्राइस रेंज में लेकिन जब भी हमारे इंडिया में आएगा तो ये डेफिनेटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रेंज के हमें देखने को मिल सकता है तो देखा जाता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के प्राइस रेंज में इसके स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा जस्टिफाई मुझे लगे हैं आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इसकी स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई लगे भी है या नहीं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के प्राइस रेंज में बाकी बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर फीचर्स के बारे में जैसे कि इसके सेंसर्स आप आप को सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग फिजिकल जायरोस्कोप एंड अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा एकदम मक्खन तरीके से आप इसमें जायरो में गेम प्ले कर पाएंगे बाकी देखा जाता है स्पेसिफिकेशन वाइज एंड ओवरऑल लुक में तो एक क्लियर निकल के आता है लेकिन गेमिंग में किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देने वाला है ये जाना इंटरेस्टिंग बन जाता है तो गाइस इसी कारण से इस को रखते तो हम इस हैं अभी साइड पे आ जाते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे तो लिटरली हम इसमें टेस्ट करने वाले पब्जी मोबाइल को एंड पब्जी मोबाइल में यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम जी गया ऐप आप आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है इस स्मूथ में एक्सट्रीम एंड वही बात कर लेते हैं इस फोन के हाइस्ट ग्राफिक्स के बारे में तो आप आपको बैलेंस में अल्ट्रा एच में अल्ट्रा एच डी आर में भी आप इस फोन में अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे हालांकि अल्ट्रा एच डी भी फिलहाल सपोर्टेबल तो है नहीं लेकिन हो सकता है कि वो इन फ्यूचर सपोर्टेबल हो जाए लेकिन वही बात करते हैं इस स्मूधर एक्सट्रीम के गेम प्ले के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं हम टी के बारे में तो गए जैसे कि आप सबको पता है क्या डिमेंसिटी इलेवन हंड्रेड चिपसेट एक काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है हालांकि आपको ग्राफिक्स ही थोड़ी लिमिटेड प्रोवाइड करके देता है लेकिन जितनी भी आपको ये ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है परफॉर्मेंस भाई उसमें बिल्कुल नो डाउट एकदम टॉप तो नॉच लेवल की देखने को मिल जाएगी जी आगे इसे ऐप आपको ना ही कोई लैग देखने को मिलेगा ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा ना ही कोई रेंडरिंग को लेकर इशू भी देखने को मिलेगा और कोई ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी देखने को नहीं मिलेगा प्रॉपर आप सिक्सटी एपिस में गेम प्ले कर पाएंगे टी में तो भाई ये मोस्टली आपको फिफ्टी एट से लेकर सिक्सटी एपिस प्रोवाइड करके दे ही देगा एनी हाउ कंडीशन हालांकि अगर आप क्लोजर में फाइट ले रहे हो तो उस समय तो आपको 55 फाइव तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा लेकिन 55 के बिलो इसके एपिस ड्रॉप नहीं जाते हैं टीडीएम में लेकिन वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में यानी कि सैनोक के बुटकाम के बारे में क्योंकि हम सभी को पता है कि यार वहाँ पे होता है असली टेस्ट क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है और इसी टाइम पे बहुत सारे फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन करते हैं क्योंकि शॉमी रेडमी नोट टेन प्रो फाइव ये भी फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं ये जाना इंटरेस्टिंग बन जाता है तो गाइस मैं बता दूं कि अगर आप इस फोन के साथ में का कैम भी करोगे तो जब आप प्लेन से जम करोगे तो उस टाइम तो आप देखने को मिल जाएगा लेकिन अच्छी बात है कि वो फटाक से रिकवर हो जाता है लैंड कर चुके और बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है उस इंटेंस भसड़ में किस तरीके एपिस की स्टेबिलिटी शो करता है तो गाइस मैं बता दूर उस समय प्रॉपर फिफ्टी प्लस एपिस प्रोवाइड करके देता है इसमें एक्सपेक्ट कर सकती है फाइट करके दे ही देगा हालांकि कुछ कुछ रेयर कंडीशन में बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में अगर आप फाइट भी ले रहे हो तब उस टाइम पे आपको फोर्टी नाइन एपीस तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में जो फोन है आपको 50 प्लस एपीस प्रोवाइड करके दे ही देगा और अच्छी बात है कि जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन आती जाती है इसके एपीस फिर से नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर ये फोन आपको फिफ्टी फाइव प्लस एपिस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है और उसमें भी आपको ये मोस्टली फिफ्टी सेवन के सिक्सटी के बीच में होवर करता हुआ दिखाई दे ही देगा नॉर्मल सिचुएशन में भी तो भाई देखा जाता है सिक्सटी एपिस में आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जा रही है फिफ्टी प्लस यार कोई कम एपिस बिल्कुल भी नहीं होते बहुत ही तगड़ी एपिस की स्टेबिलिटी होती है और ये फोन कैपेबल है उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में और बात करते हैं हीटिंग के बारे में तो ये फोन थोड़ा बहुत हीट होता है इसका जो थ्री डायमेंशनल जो कूल सिस्टम है वो काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है और फोन को ओवर हीटर से बचा लेता है हीट तो हर फोन होते हैं ये भी फोन थोड़ा बहुत हीट होता है लेकिन अच्छी

हैं और अगर आप एक ऑसम मोन्टाज और गेम प्ले देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्रदर के चैनल को भी विजिट कर सकते हैं बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए हैव अ गुड डे